हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, इसका टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में? अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है, या फिर उनकी करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि थर्ड पार्टी में आ रही हों। थर्ड पार्टी मतलब कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन में बीच में जो भी फैक्टर है जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां आई हैं, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। ठीक है, सो रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। अगर आपके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है या आपको डाउट है कि कोई थर्ड पार्टी है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है? एक कार्ड आया शायद, यहाँ नहीं नहीं आया। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। अगर और कोई कार्ड आना चाहता है तो वो आ सकता है। ओके, बॉटम से है हमारे पास, वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड्स मैं अरेंज कर दूँ, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड है नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, डेथ, द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड एक्वेरियस, लेब्रा, जेमिनी। बॉटम से हमारे पास है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले और आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, मतलब आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाए। एक्शन चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, आर या पार। ठीक, ये सिचुएशन है आप दोनों की। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो उनकी जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पार्टनर अगर सिंगल हैं तो भी बहुत स्टक हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं, किसी डिसीजन लेने से डर रहे हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, एंडिंग हो चुकी है कुछ लोगों की लाइफ में, तो हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, पार्टनर चले गए हों ना बोल के, और कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट, डिवोर्सी, कोई भी यहाँ पे लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में तो थर्ड पार्टी जो है वो है पैसा, ठीक, फाइनेंसेस। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है कोई और पर्सन, उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन है या आ गया है या आ गई है, और कुछ लोगों के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो है पेरेंट्स, डेफिनेटली बीच में आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के, इसलिए वो थर्ड पार्टी हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की जो करेंट सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, खुद को एक सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे उनके उनको ज़बरदस्ती बांध दिया गया है, किसी सिचुएशन में ज़बरदस्ती ढकेल दिया गया है। ठीक है, खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आया है हर्मिट। बहुत ज़्यादा खुद को अकेला पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सैड एनर्जी है, आइसोलेट किया है खुद को, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोन हो रहे हैं, पूरी तरह से भगवान पे सरेंडर किया हुआ है। साथ ही है डेथ, या तो एंडिंग करना चाहते हैं, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्लियरली एंडिंग चाहते हैं, या तो ऑलरेडी एंडिंग कर दी है, ठीक, अब आगे क्या करूं वो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है नाइन ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों के पार्टनर तो पूरी तरह से एंडिंग कर दिए हैं या कर रहे हैं, प्रोसेस में है, कुछ लोगों के पार्टनर अभी एंडिंग करना चाहते हैं बट डर रहे हैं। ठीक है,
डर है उनको, चाहे पेरेंट्स का, चाहे समाज का, चाहे सोसाइटी का, लेकिन यहाँ पे खुश बिल्कुल नहीं है अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो। अब मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अगर वो मैरिड हैं तो भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें वो प्यार वहाँ नहीं मिल रहा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वो चाहते थे। वो प्यार सिर्फ आपसे मिला है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली वो आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें। दूसरा, यहाँ पे वेल्थ को लेकर भी काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपने पैसों को लेकर काफ़ी टेंशन में हैं, फाइनेंशियली चाहते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा पैसे हों, बहुत ज़्यादा रिच हों, प्रॉस्पेरिटी रहे उनके लाइफ में। साथ ही आपको खोने का भी डर है, उन्हें लग रहा है कि कहीं आप भी ना मूव ऑन कर लो, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ किसी और के साथ, उन्हें ये डर अंदर अंदर खा रहा है। आपकी तरफ क्लियरली एक्शन लेना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब बात करूँ आपके कनेक्शन की, तो डेफिनेटली आप लोग सोल से कनेक्टेड हो, सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है जो बता रहा है कि वो क्विकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत जल्दी, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ कुछ मिलना चाहते हैं, हो सकता है किसी पार्टी में मिले। एक्शन का कार्ड आ गया हमारे पास, साथ ही साथ मैरिज का कार्ड आ गया, शादी करना चाहते हैं आपसे, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। हो सकता है किसी सिचुएशन में अगर फंसे हों ऑलरेडी किसी के साथ हों, तो वहाँ से वो लीगली निकलें और फिर आपकी तरफ आएँ। अगर कास्ट इशू है, रिलीजियस फैक्टर है, ट्रेडिशंस बीच में आ रहे हैं या पेरेंट्स की वजह से, तो भी सन का कार्ड आया है जो कि सबसे पॉजिटिव कार्ड है डेक का, मींस आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। एक टफ साइकिल आप दोनों ने एंड की है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो। मजिशियन का कार्ड है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो विश मांग रहे हैं आपके लिए, सक्सेस चाहते हैं। द स्टार का कार्ड भी आ गया, डेफिनेटली सरेंडर हैं आप दोनों भगवान पे, सोल जर्नी। यहाँ पे क्लियरली आप लोग सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक। ये उनकी करंट सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ। अब मैं देखती हूँ कि क्या आपकी तरफ आने वाले समय में कोई नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन, जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे, कब तक, क्या कोई एक्शन लेंगे, कब तक लेंगे एक्शन। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि इतने सारे कार्ड्स में से यही कार्ड बार बार क्यों आता है, थ्रोट चक्रा? मैं तो हमेशा नोटिस करती हूँ, क्योंकि थ्रोट चक्रा रिप्रेजेंट विल पावर, थ्रोट चक्रा रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन, ठीक। पार्टनर्स जब रिलेशनशिप शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, और रिलेशनशिप जब आप एग्री कर जाते हो, रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो फिर ये चुप हो जाते हैं, फिर इनको हील करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ज़रा बताना मुझे कमेंट में अगर कोई जानता है तो। वाह, सिर्फ चक्रा कार्ड्स आ रहे हैं, आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं या उन्हें करने की ज़रूरत है? क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन एंजल्स? दिस इज माय लास्ट शफल। बॉटम से है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यहाँ पे है नंबर 15, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 17। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं, उनके लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं,
बिल्कुल हारा हुआ फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई उन्हें नहीं समझ रहा है, वो अकेले जूझ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो। उनका विज़न काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है, डेफिनेटली क्लियर हुआ है उनको विज़न, उनको पता चला है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, हर्ट कर दिया हो कि वो आगे मूव ऑन कर जाएंगे, बट वो भी खुश नहीं है। अगर मूव ऑन कर भी लिए तो भी खुश नहीं है, ठीक। साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनका बिजनेस, उनका करियर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये चक्रा कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि वो फिजिकली भी बीमार हो सकते हैं और फाइनेंशियली भी परेशान हैं, ठीक। होप अभी भी नहीं हारे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पूरी तरह से अवेयर हैं, हर सिचुएशन से अवेयर हैं, सब उन्हें पता है, ठीक है। फिर भी वो आपको अपने आप से ऐसे शो कर रहे हैं कि वो आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोलते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बात नहीं करनी, ब्लॉक कर दिया, वो आपको अपने से दूर कर रहे हैं ये जानते हुए कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर डर है, लोगों का, सोसाइटी का, समाज का बहुत ज़्यादा डर है, ठीक, पेरेंट्स का डर है। इस डर से उनको निकलने की ज़रूरत है, पावर का कार्ड आया है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द निकलेंगे इस डर से बाहर, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, मिलने आ सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं, 8-8, ठीक। थोड़ा सा इंतज़ार करिए क्योंकि ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हारमोनी एट लास्ट आपके रिलेशनशिप में आएगी। आप लोगों के लिए नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 वीक्स या 5 मंथ, देखते हैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम। गाइड करें एंजल्स, रिलेशनशिप का आउटकम, मजिशियन, मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, इंतज़ार मत करिए, सोचना छोड़ दीजिए, जो होना है वो खुद होगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। द स्टार, डेफिनेटली आप लोगों की विश पूरी होगी। अभी हैंग्डमैन का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो ज़रूर पूरी होगी अपनी टाइमिंग पे, ठीक है। यहाँ पे देखती हूँ एंजल्स क्या गाइडेंस देती हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 कार्ड दिए हैं एंजल्स ने। यहाँ पे आया है इट्स अप टू यू, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई चांस नहीं है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, तो आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर अभी भी आपसे बात करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है तो इट्स अप टू यू, आप वेट करिए। अपने पार्टनर से अगर नाराज़गी है, या वो आपसे नाराज़ हैं, या आप उनसे नाराज़ हैं, तो उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, ठीक है। अगर आप दोनों में म्यूचुअल लव है, अगर आप सोल जर्नी में हैं, तो आप ट्रस्ट करिए, सरेंडर करिए भगवान पे, और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में एक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। यस, आपके लिए ये एंजल्स का गाइडेंस है, यू आर रेडी। अगर आप रेडी हैं, ठीक है, अगर आप रेडी हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप भी उनकी तरफ जाना चाहते हो, अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट करिए, आपके लाइफ में नेगेटिविटीज़ को भूल जाइए, फॉरगिव करिए, आपके ऊपर है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको सक्सेस मिलनी तय है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल चांस नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका, वो अपने लाइफ में बहुत आगे चले गए, देन मूव ऑन,
चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो एंजल्स ने एकदम क्लियर मैसेज दिया है ताकि आपके माइंड से कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अपने लाइफ में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जो आ रहा है हंस के लीजिए और हमेशा हंसी दूसरों के चेहरे पर भी दीजिए। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।